सीपीएस संजय अवस्थी के समक्ष हरिपुर धार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उठाया डीनोटिफाई किए गए संस्थान का मुद्दा। सुखू सरकार द्वारा संग्रह में इलेक्ट्रिकल डिवीजन व सब डिवीजन, ददाहू में बीडीओ ऑफिस व हरिपुर धार सिविल हॉस्पिटल सहित रेणुका जी हल्के में डीनोटिफाई किए गए हैं 1.5 दर्जन संस्थान। मुख्य संसदीय सचिव ने मां बंगाणी मंदिर में की विधिवत पूजा अर्चना। सीएम के करीबी कहलाने वाले स्थानीय कांग्रेस नेता ब्रिजराज ठाकुर व पूर्व बीडीसी उपाध्यक्ष दिलीप चौहान आदि ने की अवस्थी का अभिनंदन। सीपीएस के प्रवास के दौरान स्थानीय कांग्रेस विधायक का मौजूद न होना व प्रेस नोट जारी न होना भी चर्चा में। गर्ल्स हाई स्कूल ददाहू में संस्कृत सप्ताह के तहत आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं। सानवी द्वारा प्रस्तुत महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम सोशल मीडिया पर चर्चा में। क्या जो मेजर मेन काम है सर इसका बताओ क्या काम है? सिविल हॉस्पिटल किया था इन्होंने घोषणा कर दी बीजेपी को आने लास्ट में जाते हुए नोटिफिकेशन भी हो गई थी पर मैं तो सही गए डी नोटिफाई हो गई नोटिफाई अब ऐसी गए में हड्डी ओपीडी कितनी है यहाँ पर ओपीडी सर दाव सिंह बहुत ज्यादा है वो तो सर आपने किसी को भी पूछना। हिमाचल सरकार के मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने आज उपमंडल संग्रहालय पर रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मां बंगाणी मंदिर हरिपुर धार में माता की विधिवत पूजा की और स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। मां का आशीर्वाद लेने के बाद अवस्थी सीएम के करीबी कहलाने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव ब्रजराज ठाकुर व बीडीसी संगड़ा के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप चौहान आदि से मिले और उप नेताओं अथवा कार्यकर्ताओं ने सुखू सरकार द्वारा क्षेत्र में डीनोटिफाई अथवा बंद किए गए सिविल हॉस्पिटल हरिपुर धार का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक उन्होंने इलाके की अन्य समस्याओं व मांगों को लेकर भी सीपीएस वर्की के विधायक से चर्चा की। गौरतलब है कि गत दिसंबर माह में सत्ता संभालने के बाद हिमाचल के सुखविंदर सुक्खू अथवा कांग्रेस सरकार द्वारा रेणुका जी हल्के के उपमंडल मुख्यालय संग्राम में पूर्व सरकार द्वारा खोले गए विद्युत विभाग के एक्शन व एसडीओ ऑफिस ददाहू में बीडीओ ऑफिस हरिपुर धार सिविल हॉस्पिटल व इसी तरह के 1.5 दर्जन के करीब संस्थान डीनोटिफाई अथवा बंद किए जा चुके हैं और उक्त मुद्दे को लेकर स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा 2 बार विरोध प्रदर्शन भी किया जा चुका है। सीपीएस के इस विजिट के दौरान उनके साथ स्थानीय कांग्रेस एमएलए का मौजूद न रहना व डीपीआरओ सिरमौर द्वारा प्रेस नोट तक भी जारी न किया जाना भी चर्चा में रहा। हालांकि कांग्रेस नेताओं के अनुसार यह उनका निजी दौरा होने के चलते ऐसा हुआ। कन्या उच्च पाठशाला ददाहू में संस्कृत सप्ताह के दौरान आयोजित हुई गीतिका श्लोकोच्चारण व शुभकामना संदेश जैसी प्रतियोगिताएं। नौवीं की छात्रा सानवी शर्मा द्वारा प्रस्तुत महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम सोशल मीडिया पर चर्चा में। सिरमौर जिला के कन्या उच्च विद्यालय ददाहू 28 अगस्त से 3 सितंबर तक संस्कृत सप्ताह मनाया गया और इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। संस्कृत श्लोकोच्चारण में जहां रुचि का प्रथम रही वहीं शुभकामना संदेश पत्र में यशस्विनी व संस्कृत गीतिका में सानवी शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस दौरान सानवी शर्मा द्वारा प्रस्तुत महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा और इतनी छोटी उम्र में संस्कृत के कठिन छंद व शब्द आसानी से गाकर सुनाने के लिए कई उजर उनकी सराहना भी कर रहे हैं। स्कूल की मुख्य अध्यापिका उषा रानी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले यह गर्ल्स स्कूल हिमाचल में पहली बार पहाड़ियत और स्थानीय बोली की प्रार्थना के लिए भी मीडिया की सुर्खियों में रहा था और सिरमौरी बोली की यहां की छात्राओं की प्रार्थना को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों व्यू मिले थे। धनुरनुषंग रक्षण संग पर स्फुर दंडन तत्कटके कनक प्रिशंग प्रिशत कनिशंग ररस भदट हताबटुके कृत चतुरंग बलिक्षित रंग घटत पहुरंग रतत पटुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते आयसु मनस्सु 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 मनोहर क्रांति युते श्रित रजनी 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 कर वक्त वितिम सुनयन वी भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते।